से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। जमीनी रंजिश में दर्जन भर लोगों ने किया पूरे परिवार पर हमला, वीडियो वायरल। तेलंगाना ट्रेनी एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त, ट्रक ने स्कूल बस को मारी टक्कर, 7 बच्चे जख्मी। पूछताछ के लिए थाने लाए गए युवक की लॉकअप में लड़की मिली लाश। एनडीए की परीक्षा में बना टॉपर। अब खबरें विस्तार से। पलवल, गांव चिरवाड़ी में एक परिवार पर लगभग दर्जन भर लोगों ने कुल्हाड़ी, लोहे की रॉड, लाठी और अवैध हथियारों से लैस होकर हमला कर दिया। इस पूरी वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। हैदराबाद हकीमपेट एयरफोर्स स्टेशन से उड़ान भरने वाला ट्रेनी एयरक्राफ्ट यादादरी भुवनगिरी में बुधवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें पायलट घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक दुर्घटना यादादरी के पास बहुबेटा में हुई। एयरक्राफ्ट योगेश नाम के पायलट उड़ा रहे थे। कवर्धा पांडा तराई थाना के खरहट्टा गांव के पास हादसे में 7 स्कूली बच्चे घायल हो गए। इनमें से 3 को गंभीर चोट आई है। बताया जा रहा है कि स्कूल बस ग्रामीण इलाके के बच्चों को लेकर वापस लौट रही थी। इस दौरान बस की ट्रक के साथ टक्कर हो गई। हादसे में 7 स्कूली बच्चे घायल हो गए। बच्चों का इलाज अस्पताल में हो रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। झज्जर चौकी से अपग्रेड हुए सिटी थाने के लॉकअप में पूछताछ के लिए लाए गए एक युवक की लाश फंदे से लटकी हुई मिली। लॉकअप में युवक की लाश लटकी देख पुलिस कर्मियों के हाथ पांव फूल गए। परिवार वालों का आरोप है कि जानकारी के मुताबिक आर्य नगर से लापता युवक के बारे में पूछताछ के लिए सिटी थाना पुलिस राजेश को थाने लेकर आई। कुछ देर बाद राजेश का शव फंदे से लटका मिला। छपरा, सारण की धरती सदियों से ऐतिहासिक, सांस्कृतिक व शैक्षणिक दृष्टिकोण से गौरवशाली रही है। चाहे देवरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो या लोकनायक जयप्रकाश नारायण, सभी इसी धरती के देन है। इसी कड़ी में सारण के एक और पुत्र का नाम भी जुड़ गया है, जिसने न सिर्फ जिला बल्कि राज्य व देश का नाम भी रोशन कर दिया है। यहाँ के एक लड़के ने एनडीए परीक्षा में टॉप किया है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।